श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान ने कौन सी मर्यादा का त्याग किया? क्या आपको अपने शब्दों का भी ज्ञान नहीं रखना चाहिए? हम लोग कुछ भी बोलेंगे, कोई भी गाने गाएंगे, कोई भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे बहन सुने, चाहे बेटी सुने, चाहे कोई और सुने, जब स्पीकर पे कोई ऐसे बातें बजेंगे तो उनकी भी बहन बेटी सुनेगी, हमारी भी बहन बेटी सुनेंगे। क्या राम ने यही सिखाया, यही मर्यादा? इससे आप राम का सम्मान कर रहे हो कि राम को नीचा दिखा रहे हो? हम आप कहेंगे कि दूसरे पक्ष से भी ऐसे गाने बजाए जाते हैं और वो ऐसा ऐसा शब्द बोला जाता है, तो एक बात नोट रखिए, वो उनका कल्चर होगा, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारे पास शब्दकोश है, हमारे पास शब्द है, हमारे पास में भावना है, हमारे पास मर्यादा है, क्योंकि हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपको खुशी भी, आपको आनंद भी लेना है तो ऐसा आनंद लीजिए कि मुझे तो आनंद मिले लेकिन किसी को दुख न मिले। हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, सनातन परंपरा किसी को दुखी नहीं देना चाहती। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, निश्चित राम जी के उत्सव में हर एक सनातनी को, हर एक मानव को इन्वॉल्व होना चाहिए। और आपके शब्दों से कोई दुखी हो ऐसा आनंद आनंद नहीं होता। मैं फिर भी कहूंगा आपको अपने भगवान के प्रति उत्साह दिखाना है, भजनों पे जुड़िए और अच्छे अच्छे भजन बनाइए और पूरी दुनिया में फैलाइए, लेकिन कोई भी गंदा शब्द इस्तेमाल करके मेरे भगवान की छवि को अपवित्र न करें। ये मेरा सबसे सनातनियों से आग्रह है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम डेव संदीप शर्मा ऑन सिम सिम वन। जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसी पतिव्रता हो अपने पति को नहीं पहचान सके। हम तुम्हें साथ दे दे। और जब क्षमा मांगी तो कहा कि जब राम आएंगे उनके चरण रज लगेगी तो तुम उससे मुक्त हो पाओ। और भगवान श्री राघवेंद्र ने चरण का स्पर्श करा दिया। पर सत पद सही कर उस पाषाण में से मां अहिल्या प्रकट हुई। आरे अपार प्रभु जग पार रावण को जन सुखदाई राजीव विलोचन